तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं क्वेश्चन सिक्स के बारे में। क्या हमें दिया है? बेसिकली देखिए, चेक वेदर -150 जो टर्म ऑफ एन ए पी 11852, मतलब कि आपको एक सीरीज दे दिया है। कौन सी सीरीज बताइए आप लोग? हाँ, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है। पूछ रहा है कि भैया क्या इसमें कोई ऐसा 150 वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा। कैसे हम लोग बच्चों चेक करेंगे? बहुत आसान फार्मूला हम यूज़ कर लेते हैं, हमारा काम आसान है। देखिए बेसिकली हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग ए लिख लिए हैं, ए कितना होगा 11 हो गया, डी क्या होगा 8 - 11, ठीक है। मतलब हम हमेशा सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो यहाँ से आएगा -3 आ जाएगा, ठीक है। बस हमारा फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। हम मान लेते भैया ये हमारा क्या है, ए हमारा nth टर्म है, ठीक बच्चों, मतलब कि भैया लास्ट वाला टर्म, इसको हमने क्या किया, कंसीडर कर लिए। होगा तब भी ठीक होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। an की वैल्यू -150, a की वैल्यू कितनी है 11, और n - 1 × d की वैल्यू कितनी बताइए, हाँ -3 है। तो चलिए हम 11 इधर जाएगा कितना 161 हो जाएगा, बोलिए हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे n - 1 यहाँ से हम 3 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर हम लोग डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, ठीक बच्चों। अच्छा ये बताइए, इसको हम डिवाइड करिए, यहाँ पे आएगा लगभग 53.2 आ रहा है। अच्छा बताइए, कोई टर्म अब तक हमने पढ़ा है कि कोई टर्म आधा अधूरा है? नहीं है, वह हमेशा फुल इंटीजर में होता है या नेचुरल नंबर में होता है। लेकिन यह क्या आ रहा है, यह आपका पॉइंट में आ रहा, तो हम लोग कह देंगे ऐसा 150 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इस सीरीज का कोई भी टर्म की वैल्यू 150 नहीं होगी, सॉरी -150 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर हमारे टर्म की वैल्यू कितनी आ रही है, 53.2 लगभग आ रही है। ये क्या है, यह बेसिकली गलत बात है। अब बेसिकली आप लोग 1 ऐड करेंगे तो 54 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन कभी भी अगर पॉइंट में वैल्यू आएगी तो हम उसे क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। क्या किस बात का ध्यान रखेंगे, आप लोग नोट्स बना के लिख लीजिएगा कि टर्म ऑलवेज किस में होंगे, ऑलवेज नेचुरल नंबर में होंगे, ठीक बच्चों, किस में होंगे, नेचुरल नंबर में होंगे। इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक बच्चों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। इसमें पूछ रहा फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन ए पी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 23। देखिए इसमें हमें कुछ टर्म की वैल्यू दे दी है, तो उससे पहले आप लोग ये बात बताइए, मैंने बताया था कि अगर कोई आपसे कह दे भैया 10th टर्म लिखिए, तो उसको हम क्या बेसिकली लिखते थे, बोलिए आप लोग हाँ 10th टर्म के बारे में। जब भी हमसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है भैया किसी भी सीरीज़ का 10th टर्म क्या होगा, तो क्या लिखते थे, a + 90 लिखते थे कि नहीं, क्यों 90 लिखते थे, हम लोग जानते थे n - 1 हमेशा होता है, यानी एक टर्म हमेशा क्या होता था, बेसिकली कम होता था, तो हम इसलिए a - 90 लिख देंगे। तो बस हम वही कंसेप्ट यूज़ करेंगे। इसमें दिया है कि फाइंड द, हमें 11 टर्म की वैल्यू दे दिया है, तो मतलब a + 10d = हमें कितना दिया, 38 दिया। भैया ये आपका 11 टर्म, हमने मान लिया कि 11 टर्म आपका क्या है, आपका बेसिकली a + 10d को हमें 38 दे दिया। कैसे मैंने लिखा, मैंने बताया था ना कि भैया हमेशा एक कम करके हम लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक बच्चों। तो और हमें पूछ रहा है कि इसका 16 टर्म को क्या लिखेंगे, a + 15d लिख देंगे, = कितना दिया है, 73 दिया है, ठीक है। तो चलिए हम दोनों को अब करते हैं, दो इक्वेशन हमें मिल गया, बस दोनों को सॉल्व करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करिए, कितना आएगा बोलिए, हाँ यहाँ पे आएगा -5d, और 73 में से आप लोग 38 माइनस हम लोग करते हैं 5 आएगा, यहाँ से 6 में से 3 जाए 3 = 35। आप देख रहे हैं डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू +7 आ रही है, ठीक बच्चों। डी हमें यहाँ से मिल गया, अब हम यहाँ से ए निकाल लेते हैं। कैसे, इस वाले पहले क्वेश्चन में रखिए a + 70d = 38, ठीक बच्चों। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे डी तो हमारा वैल्यू रखी दी, तो 38 माइनस बोलिए कितना रखेंगे, हाँ -70 रख देंगे, हम इसको माइनस करते हैं बच्चों, तो देखिए कितना आंसर आता है। तो यहाँ से आप लोग चलिए 70 में से आप लोग माइनस करिए, कितना 38 आएगा, 2 हाँ ना बोलिए 2 आएगा, यहाँ बच गया आपका 6 में से रिजा 32, यानी हमारी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 32 आ गई, ठीक बच्चों। और डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर हमारा काम आसान हो गया। तो अब हम कोई भी निकाल, कोई पूछ देगा कि अब हमें पूछ रहा 31 टर्म के बारे में, तो बस ए प्लस कितना रखेंगे बताइए, 31 डी रखेंगे, 30d, हाँ एक कम करके 30d रख देंगे। तो यहाँ पर हमें ए पता ही है, डी पता ही है, दोनों की वैल्यू रख के हम लोग बेसिकली वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक बच्चों। किसी बच्चों कोई डाउट हो तो पूछ ले, ठीक है। देखिए इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर बेसिकली 8th भी दिया है। बेसिकली क्या दिया कि
अब मैं इसमें बता दिया एपी हमारा 50 टर्म का, ठीक है। मतलब कोई एपी है वह कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक मिनट, आपका जो एपी बेसिकली कि भैया 50 एपी है, ठीक है, मतलब A1 से शुरू है A50 तक जा रहा है, ठीक बच्चों। और हमें क्या कह रहा है कि जो थर्ड टर्म आपका 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106 है। लास्ट टर्म मतलब बेसिकली क्या, हाँ, जो हमारी 50वीं टर्म वाली है, यानी A+49D की वैल्यू कितनी दी है, बोलिए आप लोग, A+49D की वैल्यू आपकी बेसिकली 106 दी है, हाँ ना, बोलिए, बिल्कुल सही है। तो भैया अब हमें पता करना है ए, यहाँ से देखिए, और A+3D की वैल्यू यानी सेकेंड थर्ड टर्म की दी है, यानी A+2D की वैल्यू बेसिकली आपकी 12 दी है। तो बस इक्वेशन की तरह सॉल्व करिएगा आप लोग, ए और डी की वैल्यू निकालिए, बाकी सब काम आसान हो जाएगा। तो हमने देखिए एक बार जितना मैथ को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका, एक बार अपने से करिएगा, कोई दिक्कत हो पूछिएगा। तो उसी प्रकार बच्चों हमारा 9th वाला टर्म भी दिया कि जो आपका 9th और 10th है, सॉरी 8th और 9th, मैंने 7th 8th 9th सभी क्या है, सभी एज यूजुअल ही है। तो एक बार आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है, मान लीजिए आप लोग नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार फिर से करिए, देखिए आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह हमारे सर 10th वाला क्या है, 10th वाला दिया है 10-17 टर्म आप एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान है, इसमें दे रहा है कि आपका जो 17 टर्म है, यानी 17 टर्म क्या लिखेंगे, A+16 भी लिखेंगे, हाँ ना, बोलिए, मान लो T70 टर्म क्या हो गया, A+16D, और कह रहा है कि आपका जो 10 टर्म है, 10 टर्म का लगे A+9D लिखेंगे, हाँ ना, बोलिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, हाँ ना, बोलिए, बहुत सही। तो कह रहा है कि जो आपका 17 टर्म है, 7 पॉइंट ज़्यादा हो जाए, मतलब 7 नंबर ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, A+16D इज इक्वल टू A+9D+7। तो कुल मिला जुला कर ये देखिए आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक बच्चों। तो हमें अब पता करना कि कॉमन डिफरेंस अब कैसे पता होगा, बहुत आसान है, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, कितना आएगा बताइए आप लोग, हाँ 7D आएगा इक्वल टू 7, आपको डी की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई, 1 आ गई। तो देखिए 10वां वाला भी हमने सॉल्व कर लिया, बस बहुत आसान, एपी और जीपी हमारा क्या है, बहुत आसान, बस आप लोग ध्यान से करिएगा, सारा क्वेश्चन जाएगा। तो अब तक हमने 10th वाला कवर कर लिया, तो इनमें से कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बताइए। आज के लिए धन्यवाद।